तो भैया क्या हाल चाल, नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो यार अपना गार्डन वैसा सेक्सी दिख रहा है। आज सैटरडे है, मेरी छुट्टी है, तो अपन आज जा रहे हैं नर्सरी। ऐसे में थोड़े बहुत झाड़ लेने थे अपने ऊपर वाली बालकनी वाले इस चीज़ के लिए, तब दिखा देता हूँ तुम लोग को। तो वहाँ पे अपनी ऊपर छोटी बालकनी, वहाँ पे मैंने मस्त झाड़ वाड़ सारे लगा रखे हैं, तो और मेरे को वहाँ पे अपन पूरा ग्रीन करेंगे। इधर गए रहे, इधर पूरा हरा हरा करने था, पप्पा बैठ के देख रहे। दूसरा ये कि यहाँ भी पूरे झाड़ वाड़ लगने वाले, ये भी साफ आफ होएगा। यहाँ पे मम्मी ने लगा रखे पुदीना के झाड़, तो बेचारे थोड़े मर गए पर दो चार लग गए। सो यहाँ पे अपने को लगाने का कड़ी पत्ता के, पुदीना के, कोतमीर वोतमीर या मिर्ची के झाड़ काफ़ी सारे लग गए। तो यहाँ पे अब सब्जी वब्जी ये सब होने वाली है, ऐसा देना। तो संजीत अभी रेडी होकर स्कूटी पर बैठ चुका है, मैं और जाऊँ दोनों जा रहे हैं फटफट। अभी मैं आपको मिलता हूँ नर्सरी में, वहाँ पर देखते हैं कौन से झाड़ लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। और मेरा कोई सिलेक्टेड चॉइस है नहीं कि भाई मेरे को ये लेना है या वो लेना है, तो मेरे को जो पसंद आएंगे, जो अच्छे लग रहे हैं कलर वलर वाइज, अपन वो ले लेंगे। और फिर मिलते हैं नर्सरी में, सीधा कल्याण वाली नर्सरी। तो यार अपन यहाँ पे आए झाड़ वाड़ लेने के लिए, बट अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लें, क्योंकि लास्ट टाइम अपने पास मैंने लिए थे तो ये वाले ऑलरेडी है अपने पास घर पे जो सूख चुके हैं। तो अभी ये तो बारिश में लेंगे क्योंकि बारिश में सही होते हैं। ये वाले भी टेरेस पे आपने देखा होगा, ये वाले भी हैं अपने इधर। तो अब सोच रहे हैं क्या लिया जाए। स्कूटी पे सारी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि स्कूटी पे अपन आए हैं, ये तो फिर लेके आने में दिक्कत होगी। देख रहा हूँ कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मिल जाए तो अपन ले लेते हैं कोई छोटा झाड़, नहीं तो फिर अपन लोकल में देखेंगे। अपने घर के यहाँ पे एक और नर्सरी है, वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा अपने को आता है। मिल जावे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बारिश में ले लेंगे। अपन ने ये वाले एक ले लिए हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। एक मैंने ये लिया है और एक दूसरा दिखाता हूँ। एक और चीज़ ली अपन ने, हाँ, तो यहाँ पे छोटे छोटे थे तो इसमें से अपन ने एक पिंक वाला लिया है और एक येलो वाला लिया है। ये दो अपन ने ले रखे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ और कुछ लेने का, बट एज एन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा अपने को। इंटरेस्टिंग अच्छा वाला मिले तो एक ये है, मतलब सही लग रहा है छोटू छोटू सा। अब इसका नाम क्या है मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को जो कलर अच्छे लग रहे हैं मैं ले रहा हूँ। अपना ऐसा ही रहता है, जो पसंद आया ले लो, कलर वलर प्राइस गया नहीं देखते अपन। तो भैया अपन ने ये ले लिया है, ये पॉट ले लिया है, हैंगिंग वाला है, 325 में हुआ है। और जो अपन ने झाड़ लिया उसका बिल हुआ है 200, तो मतलब 525 हुआ है। और अभी अपन मट्टी का 5 किलो का पैकेट लेंगे। तो अपन ने ये सारे झाड़ ले लिए है, इसका कॉस्टिंग हुआ 200। ये साइड रैकेट ले लिया, इसका मतलब थोड़ा होगा, सीधा आपको मिलता हूँ मैं घर पर। तो यार घर पर आ गए अपन, मतलब मैंने रास्ते का रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ये मैं पीछे स्कूटी पर लेके बैठा था और अपनी मट्टी इसमें है, मतलब थैली फट गई। तो अच्छा हुआ मेरे पास बैकअप में दे थी, तो अपना काम सेट हो गया। तो ये लिए हैं मैंने थोड़े, ये शो प्लांट है, इसमें मेरे पास ऑलरेडी एकदम डार्क पिंक कलर के, ये दो कलर मेरे को बहुत सही लगे तो मैंने ले लिए। और इसमें से ये देखो क्यूट क्यूट छोटे छोटे मेरे बहुत प्यारे लग रहे थे, तो ये ले लिए है। और एक मैंने ये और एक ये, सो ऑल ओवर टोटल अपना इसका सिर्फ झाड़ जो मैंने लिए इसके 200 हुआ था एंड इसके आगे 325, 550 लोग हुआ है, तो 550 में अपना इतना सब कुछ आ गया और इंक्लूडिंग अपनी मट्टी। One eternity later. तो गाइस डे 2 चल हो गया, मतलब आज संडे है और कल घर पे गेस्ट आ गए थे तो इसलिए मैं शाम को कुछ किया नहीं, गेमिंग वेमिंग करी, स्ट्रीमिंग वेमिंग करी, थोड़ा चिल किया और बस। फिर गेस्ट आए थे तो कुछ गार्डनिंग नहीं किए थे, तो अभी मैं गार्डनिंग अपन जो अपन कल लेके आए थे झाड़ अपन वो लगाने वाले हैं। ये देखो वही काम चालू है। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है अभी तक। तो इसमें था तो मैंने प्लास्टिक थोड़ा सा काट लिया है इसमें से निकालने को, और इसके नीचे होल दे दो चिंटू चिंटू। तो मैंने ऐसी की छोटी सी टाइल है वो रख दी क्योंकि पानी ज़्यादा लीक ना होए। तो वैसे पत्थर रख के मैंने मट्टी डाल दी, अब इसको अपन इसमें रखेंगे और आजू बाजू अच्छी मट्टी जमा देंगे एंड वी आर ऑल सेट। और सेम इसमें मैंने वो ये वाला है, इसमें अपन ये वाला जो मैंने कल लिया था इसमें आई गेस ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, और उसमें येलो कलर के आते हैं, तो ये ऑरेंज एंड येलो सिंगल दोनों इसमें लगेंगे।
और ये एक सेपरेट रहेगा और ये एक सेपरेट, मतलब तीन लगने वाले हैं। सो वर्टिकल माउंट जो मैंने लिया था वो तीनों, मतलब एक यहाँ ऊपर, एक सेंटर में और एक नीचे, ऐसे लाइन से तीनों लग जाएंगे तो काफ़ी सही लगेगा। और इसको शायद से मैं ऊपर ग्रिल पे या जहाँ पे भी माउंट करूँगा, यहाँ से अपन जिप टाई मार देंगे या फिर यहाँ होल्स पे जिप टाई मार देंगे, यहाँ से जैसे मैनेज होता है वैसे करके जिप टाई लगा देंगे तो काफ़ी सही दिखेगा। ऐसे मेरा प्लान चल रहा है और 5-6 लेके आने का, तो जैसे मैनेज होता है वैसे करके अपन लगाएंगे और क्या। तो यार अपना एक लग चुका है और अपने को यहाँ पे दो लगाने के हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको कैसे लगाऊँ, क्योंकि ये है ऑरेंज, तो सिंगल सिंगल करके भी लगा सकता हूँ। और एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा ही बड़े, तो मैं सोच रहा हूँ कि विथ प्लास्टिक लगा दूँ साइड में थोड़ा कटिंग करके, क्योंकि वैसे भी ग्रो होने वाले ही हैं। तो यार इसका मैंने ये किया है कि आधा मैंने ऊपर की ना ये प्लास्टिक काट दी है, नीचे की प्लास्टिक रखी हुई है, यहाँ पे नीचे पत्थर और मिट्टी जैसे मैंने पहले किया था वैसे किया, तो अब इसमें इसको रख के पूरा भर देंगे। अब बोलोगे भाई तूने आधी प्लास्टिक क्यों निकाली है, तो रीज़न मेरा ये है कि देखो नीचे वैसे भी गमले में पानी बहुत जल्दी निकलता है अगर आप मिट्टी रख रहे हो या फिर चीज़ें रख रहे हो, तो फिर इसलिए मैंने सोचा अगर मैं आधा प्लास्टिक निकालता हूँ तो आधा प्लास्टिक रहेगा, तो जिससे पानी जल्दी ड्रेन नहीं होगा और अपना जो फ्लावर पॉट बोल दो, गमला बोल दो, ये ज़्यादा टाइम तक गीला रहेगा, तो मतलब अच्छा खासा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और इसमें अगर मैं बाद में खाद या फिर एक्स वाई जी चीज़, अरे मेरा झाड़ कौन तोड़ा अभी, अरे यार मेरे को नहीं पता किसने क्या किया है, बट यार मेरे झाड़ तोड़ दिए यार। यहाँ से देखो ये छोटी छोटी डालियाँ तोड़ रखी हैं, ये भी लगा दूंगा मैं, मतलब अपने को एक और हो गया है, बट पता नहीं यार किसने तोड़ा। इच्छो तो चुत फूल देखो, तो यार अपने सारे झाड़ लग चुके हैं यहाँ पे, ये वाला भी लग गया है, ये तीनों मैंने लगा दिए यहाँ पे, एक अपना यहाँ पे भी लग गया है, तो सारे लग चुके हैं। और भाई इतनी मिट्टी बच चुकी है तो थोड़ी और मिट्टी लेके आके यहाँ पे टॉप तक भरना है, और यहाँ पे मेरे पास एक छोटू सा रेड कलर का है तो यहाँ सेंटर में लगा के वो कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12-1 बज चुके, बहुत गर्म हो रहा है। जो भी किली कंडी है अब मैं नहीं करूँगा आज, अब सीधा अपन करेंगे अगले संडे या फिर सैटरडे जिसमें कोई छुट्टी मिलती है, क्योंकि अपने को और मिट्टी लेके आनी है और मेरे को 3-4 झाड़ लेके आने हैं। और फिलहाल तो इतना ही है यार, मतलब ऊपर अभी जगह थोड़ा काम चालू है, तो फिर अपन मैं और चीज़ें नहीं कर सकता वहाँ पे, मैं झाड़ अभी रख नहीं सकता हूँ, जैसे ही आई गेस नेक्स्ट वीकेंड तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अपन सारे प्लांट्स प्लान जितने भी है और ले आएंगे और सारे ऊपर रख देंगे। तो बस दैट्स इट फॉर द डे, मतलब मेरे को गार्डनिंग इतनी आती नहीं है बट मेरे को मज़ा आता है, सुकून मिलता है अच्छा खासा, तो इसकी वजह से मैं गार्डनिंग करते रहता हूँ। अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और भाई थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्रिप्शन होती रहती है तो लगता है कि हाँ भाई हम मेहनत कर रहे हैं रंग लेके, मतलब बड़ा क्या बोलते हैं वो, मेहनत रंग ला रही है, हाँ ये बोलते बराबर। तो यार अपना प्यार दिखाया जाने लेंगे इस बाबा, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट तो नहीं यार, हैव अ हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।